Before I share the word of God, I want to tell you a few facts. मैं परमेश्वर का वचन आपसे बांटने के पहले आपके सामने कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं। मैं परमेश्वर का वचन ताड़े विच वंडन तो पहला कुछ तथ्यों को ताड़े सामने रखना चाहना। We are the most blessed people in the history of the Church of God. परमेश्वर के कलीसिया के इतिहास में हम सबसे धन्य लोग हैं। परमेश्वर की कलीसिया के इतिहास में असी सब तो धन्य लोग हैं। We are most blessed people. हम सबसे धन्य लोग हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं। असी सब तो मुबारक लोग हैं, सब तो भागा वाले लोग हैं। God has reserved you and me for this last ministry. ये आखिरी सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें बचाकर रखा था। इस आखिरी सेवकाई दिली परमेश्वर ने सानू बचा के रखा से। God knew who all should come at the last moment. परमेश्वर सर्वज्ञान में मालूम था इस आखिरी क्षणों में किस किस ने आना है। परमेश्वर अपने सर्वज्ञान दे अनुसार उसनु पता सी के आखिरी पलां विच किन्ने किन्ने आना है। So you must all consider yourself as most blessed people. So इसलिए आपने अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझना। इसलिए तुसी अपने आप नु सब तो ही भागा वाले व्यक्ति समझना है। We have come to the time of the fulfillment of the plan of God. हम परमेश्वर की योजना की पूर्णता के समय में आ गए हैं। असी परमेश्वर दी योजना दी पूर्णताई दे समय विच आ गए हां। When God created Adam, it was just the beginning. जब परमेश्वर ने आदम को रचा, परमेश्वर की योजना का सिर्फ वो आरंभ की बातें थी। जिस समय परमेश्वर ने आदम नु रचिया, उस समय वो परमेश्वर दी योजना दा आरंभ दा समा सी। But now is the time the things of God are going to be fulfilled before our eyes. लेकिन अब वो समय आ गया जब परमेश्वर की योजना की पूर्णता की पूर्णता का समय हमारी नजरों के सामने है। पर हुण वो समय आ गया कि जब परमेश्वर की योजना की पूर्णताई दा समा साडे सामने है। In India we have a famous finance minister. You know the inflation has crossed 11 point even today. भारत का सबसे मशहूर वित्त मंत्री है, लेकिन क्या करे, आज इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति 11 का अंक, 11 प्रतिशत का अंक टाप गया है। और जो भारत का मशहूर जिहड़ा वित्त मंत्री है कि की करे कि जो महंगाई या शेयर बाजार है उस दे विच 11 का अंक पार, 11 का अंक पार कर गया है। I don't know how many of you know about inflation, but my dear friend, inflation is the thing that's affecting the whole world. प्यारे अजीजों, मुझे नहीं मालूम आप में से कितना को मुद्रास्फीति का बात मालूम है, लेकिन पूरे दुनिया को परेशान करने वाली एक वस्तुता है। और मेनू ने पता के इन्फ्लेशन जो है ताडे विच किन्नियां नू समझ विच आउंदी है, पर ये पूरी दुनिया नू पूरी तरह जो है हराउन वाली चीज है। दिस इज द सिस्टम दैट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द होल वर्ल्ड। और ये एक ऐसा चीज है जो सारे संसार का, जो पैसे का लेन देन का, वित्त का सारा ढांचा को बर्बाद करेगा। एक एहो जी चीज है जो सारी दुनिया दे लेन देन, पैसे दे ढांचे नु पूरी तरह बर्बाद कर रही है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हैज कम टू इट्स क्लाइमैक्स। हवा का प्रदूषण अपनी सीमा पर आ गया है। हवा का जेड़ा प्रदूषण है वो अपनी सीमा पे आ गया है। क्लाइमेटिक कंडीशन हैज कम इट्स इट्स क्लाइमेक्स। मौसम का जो फेरबदल है वो भी बिल्कुल बदल गया, बिगड़ गया है। और मौसम का जेड़ा फेरबदल है वो भी बिल्कुल बदल गया है। सिकनेस सिचुएशन हैज बिकम वर्स देन एवर बिफोर। संसार की बीमारी की स्थिति अब लोगों के हाथ से, काबू से बाहर निकल गई है। और संसार की जो बीमारियां की हालत है वो लोगों के वास्तों बाहर चली गई है। नाउ यू आर ईटिंग फूड, यू नो एवरी सेकेंड How many thousands of people are dying without food in the whole world? आप दिन में दो टाइम या तीन टाइम खाना तो खाते हैं, लेकिन आपको यह एहसास नहीं, हर सेकेंड हजारों की तादाद में दुनिया भर लोग आज के दिन भूखमरी के कारण मर रहे हैं।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ ਯੂਐਨਓ said that we should take some control over food system kabhi bhi sanyukt rashtra ne apne itihas mein sansar ke khadya ka niyantran apne haath mein lene ka prayas nahi kiya kade bhi sanyukt rashtra sang ne jo duniya de itihas vich duniya de khaan peen da jehda khata oh apne haath vich nahi liya wherever they found surplus food they used to buy it and wherever national calamities takes place they used to supply संयुक्त राष्ट्र का काम क्या था जहां कहीं खाने का चीज ज्यादा बहुतायत में हो गया उधर से खरीद लिया और जिधर नहीं है उधर बांट देता था संयुक्त राष्ट्र का काम की सी के जिधर खान पीन दिया चीजें वादू हो गया जिधर नहीं है उधरों लेके उधर दे देनी है one of our brother was come from Bhopal is working in that UNO food department हमारे बीच में भोपाल से एक भाई आए हैं जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य विभाग में काम करते हैं तो साडे विच एक भोपाल तो भाई आया जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो जो भोजन भंडार विच उसते काम करता है but now the UN secretary general says we must take control of the food system of the world otherwise millions will die lekin aaj ke din संयुक्त राष्ट्र का secretary general bolta hai अगर संसार का खाने का इंतजाम पूरा अपने नियंत्रण में नहीं लिया तो करोड़ों की तादाद में लोग भुखमरी से मरने वाले हैं तो आज तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जनरल सेक्रेटरी है वो बोलता है जेकर खाने का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ना लिया तो लोगों में भुखमरी पैदा हो जाएगी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज हैव गॉन बियॉन्ड कंट्रोल उग्रवाद की समस्या इंसान के नियंत्रण से बाहर निकल चुकी है अतवाद की समस्या इंसान के कंट्रोल तो बाहर निकल चुकी Now, है ऑल लीडर्स ऑफ द नेशंस आर अफ्रेड whether the extremists have got the nuclear bomb in their hands or not duniya ke bade bade netaon ko ab yahi pareshani hai unko ye chinta satati hai ki kahin ugrawadi sangathanon ke haath mein parmanu hathiyar pahunch to nahi gaye duniya de bade bade netaan di ehi chinta unnan sata rahi hai ki kithe atwadiyan de hath vich parmanu bomb na aa jaan the only consolation was price line that also has gone out of control inflation has crossed all limits not only in india all over the world ek hi tasalli thi keemte kam thi lekin ek samay aa gaya mudra spiti sab record tod chuka ab khane ka sab cheezon ka keemat ka niyantran karna ab kisi ke bas ki baat nahi hai sare duniya bhar par ek ki matlab ਕਿ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਟਐਵਰ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗਾਡ ਇਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਫੁਲਫਿਲਡ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਵਚਨ ਮੇ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਪ੍ਰਤੇਕ ਸ਼ਬਦ 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 ਪੂਰਾ ਹੋਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ yesterday the other day I told you the secret agreement of middle east aur maine pichle dinon mein aapko madhya paschit rajyon mein jo samjhota hua uske vishay mein aapse kaha main pichle dinon vich madhya paschim vich jo samjhota hoya us te bare main tanu dassya now it has to be signed that's all samjhote ho chuke ab uske upar sirf signature hona hai ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਕਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਦ ਲਾਸਟ ਬੈਚ ਆਫ ਦ ਚਰਚ ਸੋ ਹਮ ਬੜੀ ਦਿਲੇਰੀ ਸੇ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾ ਆਖਰੀ ਬੇੜੇ ਹਮ ਲੋਗ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਭੇਡਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੀ ਦ ਫੁੱਲ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਗਾਡ हम ये सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की महिमा की परिपूर्णता को अपनी नजरों में देखने जा रहे हैं असी बहुत ही भागा वाले व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की पूर्णताई नु अपनी नजरों के नाल देखन जा रहे हैं वी आर द पीपल आर गोइंग टू सी द फुल पावर ऑफ द चर्च ऑफ गॉड और हम हमारा ये सौभाग्य है कलीसिया को उसके पूरे सामर्थ्य से हम अपनी नजरों से देखेंगे और सानू साडी एक खुशकिस्मती है कि असी उसकी कलीसिया नु उसकी पूरी समर्था विच देखांगे व्हेन आई सी ऑल दिस थिंग एंड कंसीडर अबाउट द प्लान ऑफ गॉड आई क्राई लाइक ए चाइल्ड लॉर्ड हु एम आई यू हैव केप्ट मी फॉर दिस 21st सेंचुरी जब ये सारी बातों को मैं देखता हूं
छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर के सामने रोता हूं, हे प्रभु तूने मुझे 21वीं शताब्दी तक, इन लम्हों तक तूने मुझे जिंदा रखा, इसके लिए मेरे अंदर क्या खूबी थी। तो जब मैं इन सारिया गल्लां नूं देखदा हां तद मैं एक छोटे बच्चे की तरह परमेश्वर के सामने रोना हाँ कि हे परमेश्वर तू मैनू 21वीं सदी तक इन लंबे दिनों तक रखिया है। Let us stand to Matthew chapter 16 verse 18. मत्ती रचित सो समाचार 16 अध्याय उसका 18वां वचन। मत्ती दी अंजील उसका 16 अध्याय उसकी 18 आयत। Matthew 16:18. मत्ती 16 उसका 18वां वचन। मत्ती 16 दी 18 आयत। I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अते मैं भी तेनु आखदा हां जो तू पतरस है अते मैं इस पत्थर उते अपनी कलीसिया बनावांगा अते पताल दे फाटकां दा ओदे उते कुछ वस ना चलेगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए असी प्रार्थना करिए। Father, we thank you for all your blessing, all your care about us. परमेश्वर आपके सारी आशीषें, आपके सारी देखभाल के लिए हम तुझे बहुत आयत से धन्यवाद देते। हे परमेश्वर तेरिया सारिया बरकतां दे लई अते तेरी सारी देखभाल दे लई असी तेनु बहुत धन्यवाद देंदे हां। Lord, we are nothing before you, but you have counted us worthy for this last group of the people of the church. प्रभु हमें तेरे सामने खड़े होने के लिए कोई योग्यता नहीं, लेकिन हम निर्बलों को प्रभु तूने इस कलीसिया के आखिरी क्षणों में तूने हमें जिंदा रखा और ये बातों को देखने का सौभाग्य दे रहा है। हे परमेश्वर असी तेरे सामने खड़े होंदे योग नहीं, तू सानू तेरी कलीसिया दी आखरी पूर्णताई दे दिना तक जिंदा रखिया, इसलिए असी योग नहीं सी। लॉर्ड वी आर थैंक यू, यू स्टॉप द रेन इन दरिवाल एंड अलाउड अस टू हैव द मीटिंग freely without the interruption of rain. पिता परमेश्वर इस धारीवाल छोटे शहर में आपने वातावरण को अपने नियंत्रण में रखा और बिना किसी रुकावट ये पूरी सप्ताह इस आखिरी सभा तक प्रभु आशीषमय उपस्थिति से हम सबको आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर धारीवाल दे छोटे शहर विच तू पहले दिन तो लेके आखिरी सभा तक पूरे वातावरण नु अपने कंट्रोल विच रखिया, हर तरह दी रुकावटां नु मौसम नु अपने कंट्रोल विच रखिया। प्रभु फादर we thank you for the beginning of the streams of fire which is flowing in our midst now. Pita, aag ki dhara ka jo aarambh hamare beech mein tune kiya, is saubhagya ke liye hum tujhe dhanyawad dete hain. Pita, jo aag di dhara da aarambh tu sade vich kita, is khush kismati de layi assi tera dhanwad karde haan. Lord, we pray that stream of fire may continue to flow wherever your children go. पिता हमारी बिनती है कल जब हम इधर से जाते अपने अपने जगहों में ये आग की धाराएं अलग अलग जगहों में बड़े जोर से बहने पाए। पिता साड़ी बिनती है कल जब असी वक् वक् इलाकों के लिए इस जगत तो रवाना होवांगे तो आग दी तारा उन्हां इलाकों विच भी वह निकले। लॉर्ड वी हैव कम टू द लास्ट टेबल टू ईट द स्पिरिचुअल फूड। पिता हम आखिरी मेज के सामने आए, तेरा आखिरी भोजन, आत्मिक भोजन जो आपने हमारे सामने परोसा, हम उसे खाने जा रहे हैं। पिता असी आखिरी मेज ते सामने आए हैं जो तू साडे लिए ए आखिरी भोजन इस मेज ते परोसा होया है। होली स्पिरिट सर्व टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस सो दैट वी मे ईट टू आवर फुल थ्रू इन द स्पिरिट। पवित्र आत्मा आज रात इस परिसर में बैठे हुए प्रत्येक के सामने ये जो आत्मिक भोजन तैयार किया है एक एक के सामने परोस दे ताकि प्रत्येक पेट भरकर खाकर तंदुरुस्त हो जाए। पवित्र आत्मा इस परिसर में बैठे हुए एक एक व्यक्ति के सामने जो इस मेज के उत्ते भोजन परोसया होया है एक एक नु पेट भर के वह भोजन खाने के लिए तू उस नु परोस दे। एवरी हिंडरिंग स्पिरिट दैट हिंडर्स from eating this spiritual food from the table of the Lord, I bind those spirits and cast them out from this compound. परमेश्वर के इस आखिरी मेज से लोगों को खाना खाने में
रुकावट खड़ी करने वाली हर एक अंधकार की ताकत को मैं आज्ञा देता हूं ये परिसर से दूर हो जाए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति बहुतायत में खाकर तृप्त हो। परमेश्वर दे आखरी मेज तो खाना खान तो रुकावट पाने वाली हर प्रकार की दुष्ट शक्ति नू मैं आज्ञा देना हां, यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए। Father, we give all glory and honor to you. पिता, सब महिमा और आदर हम आपको ही देते हैं। पिता, सारी महिमा अति आदर तेनु ही देंदे हां। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम में हम मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम विच मांगते हां। Amen. Amen. Friends, though there are so many differences and problems in the church, we have a great hope. प्यारे मित्रों, कलीसिया में कई समस्याएं हैं, कई परेशानियां हैं, लेकिन हमें एक बड़ी आशा है। प्यारे दोस्तों, कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं हैं और कई मुश्किलें हैं, पर सानू एक बहुत बड़ी आशा है। Many are building the church in different ways according to their own way, but we have a great hope. बहुत लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार कलीसियाएं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बड़ी आशा है। बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार कलीसिया बना रहे हैं, पर फिर भी सानू एक बहुत बड़ी आस है। What is that hope? ये बड़ी आशा क्या है? ये बहुत बड़ी आस की है। Jesus says, I will build my church. प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं अपनी कलीसिया खुद आप बनाऊंगा। When God rises up to do something, no force on earth can stop him. जब परमेश्वर अपना कुछ कार्य करने के लिए उठ खड़ा होता है, संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जब परमेश्वर अपना कुछ काम करने वास्ते उठ के खड़ा हो जाता है, संसार की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। Nobody can change the God's timetable. कोई व्यक्ति, कोई शक्ति परमेश्वर के समय कार्य टाइम टेबल को बदल नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति परमेश्वर के समय का जो प्रोग्राम है, काम है, उसको रोक नहीं सकता। No forces of Satan can delay even a second. परमेश्वर के कार्य को एक क्षण के लिए भी कोई शैतान की ताकत रोक कर नहीं रख सकता है। परमेश्वर दे समय दे एक भी पल नु कोई भी शैतान दी ताकत रोक नहीं सकती। When Almighty God rises up, all enemies scatter. जब सर्वशक्तिमान उठ खड़ा होता है, सारे शत्रु तितर भितर होते हैं। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर उठ के खड़ा हो जाता है, ते सारे शत्रु खिल्लर पुल्लर जाते हैं। Now quickly I'll tell you in few words how the church is being built. मैं जल्दी से आपको कुछ बातें बताऊंगा कि किस प्रकार कलीसिया बन रही है। और मैं जल्दी कुछ गल्ला तानू दसंगा कि किस प्रकार कलीसिया बन रही है। This I've taught you many times. मैंने ये विषय आपको कई बार सिखाए। ये विषय मैं तानू कई बार सिखाया है। But I'm trying to touch on those points so that you may be able to remember the whole thing. मैं उन सब विषयों को जरा छूना चाहता हूँ, ताकि आपको आपका याददाश्त ताजा हो जाए। मैं उन सारे विषयों को थोड़ा छूना चाहना, ताकि ताड़ी यादगिरी जड़ी है वो ताजा हो जाए। The planning of the church was in the heart of God even before the world was created. परमेश्वर ने जगत को बुनियाद डालने के पहले ही कलीसिया को बनाने की योजना परमेश्वर के हृदय में छिपी थी। परमेश्वर ने जगत की नींव रखने तो पहला ही अपनी कलीसिया बनाने की योजना उसके दिल में छुपी हुई थी। Before he created Satan and angels and this earth and Adam, God had this plan in his heart. शैतान को बनाने के पहले, स्वर्गदूतों को बनाने के पहले, आदम और हव्वा को बनाने के पहले कलीसिया की योजना परमेश्वर के हृदय में छिपी थी। शैतान नु, स्वर्गदूतों नु, पहले मनुख आदम नु बनाने तो पहला ही परमेश्वर दे दिल दे अंदर कलीसिया दी योजना छुपी हुई सी। Friends, I feel a mighty presence of God in the whole area. प्यारे मित्रों, में पूरे परिसर में परमेश्वर की सामर्थ की बहुतायत को आज रात्रि अनुभव कर रहा हूं। मेरे प्यारे, पर मैं पूरे परिसर दे अंदर परमेश्वर की समर्था नु बहुतायत दे नाल अनुभव कर दिया हां। I feel that on this stage almighty God is standing and I feel trembling. मुझे अनुभव होता है सेनाओं का यहोवा आज इस स्टेज पर व्यक्तिगत तौर पर खड़ा है, मैं कांपता हूं। और मैनू इस मैं इस देख रहा हां, चख रहा हां कि सेना दा यहोवा आज रात इस स्टेज दे उते निजी तौर ते आप खड़ा है। Never in my life
I experience this. जो बात मैं इस समय अनुभव कर रहा हूं मेरे जीवन काल में मुझे ये कभी अनुभव नहीं हुआ है। जो गल मैं इस समय चख रहा हाँ वो मेरे जीवन काल विच कदे भी चखन नहीं मिले। Because of his fullness, I am unable to control myself. उसकी परिपूर्णता के कारण, उपस्थिति की परिपूर्णता के कारण मैं अपने आप को नियंत्रित करना मुझे मुश्किल हो रहा है। उसकी भरपूरी की उपस्थिति के कारण मैं अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। It's very difficult for me to even open my mouth. मुझे अपना मुंह खोलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं अपना मुंह खोलना भी मुश्किल हो रहा है। We are not worthy, he is only worthy. हम इस योग्य नहीं, केवल एक ही योग्य है। असी इस योग नहीं, केवल एक ही योग है। God, according to his plan, he made all the arrangement for the church. परमेश्वर ने अपने सर्वज्ञान में बनाए योजना के अनुसार कलीसिया के लिए सारी योजनाएं पहले से ही बनाकर रखी है। परमेश्वर ने अपनी सर्वज्ञान के अनुसार कलीसिया के लिए बनाई गई योजना के अनुसार कलीसिया के लिए भी उसने अपनी योजना पूरी बना के रखी। आई फील दैट आई एम सिटिंग एट हिज फीट एंड टॉकिंग टू यू। मुझे एहसास होता है कि मैं उसके चरणों में बैठकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैनु ये एहसास हो रहा कि मैं उसके चरणों में बैठ के ताड़े नाल गल्लां कर रहा हाँ। I am not worthy to sit at his feet. मैं उसके चरणों में बैठने के लिए भी योग्य नहीं। मैं उसके चरणों में बैठने के भी योग्य नहीं हूँ। With trembling, I sit in this at his feet and read to you. मैं कांपते हुए उसके चरणों में बैठकर कुछ बातें आपसे कह रहा हूँ। मैं कांपते हुए उसके चरणों में बैठ के कुछ गल्लां ताड़े नाल कर रहा हूँ। I plead with you to honor the precious presence of God. मेरी आपसे विनम्र विनती है इस सेनाओं के यहोवा की उपस्थिति का हम भय के साथ आदर करें। मेरी टूटे दिल दे नाल नम्रता दे नाल ताड़े के विनती है इस सेना दे यहोवा दे दिल तो आदर करिए। If any one of you is sitting carelessly, please sit properly. यदि आप में से कोई सुस्ती और लापरवाही से आज रात बैठा है उसकी उपस्थिति को आदर करते हुए आदर और भय के साथ आज रात बैठें। जेकर कोई सुस्ती या लापरवाही करते हुए उसकी उपस्थिति विच हजूरी विच बैठा है तो वो आदर ते भय दे नाल उसकी हजूरी विच बैठे। Even the friends who are sitting outside and listening, I plead with you to sit with fear and trembling before God. बाहर भी जो लोग बैठकर वचन को सुन रहे हैं आप जहां कहीं भी हो आप पूरे भय और भक्ति से इस महान सेनाओं के यहोवा की उपस्थिति में बैठे। बार भी जिधर भैन भरा खड़े होकर या बैठ के सुन रहे हो तुसी बहुत ही पैते भक्ति दे नाल इस सेना दे महान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी है। गॉड अकॉर्डिंग टू हिज प्लान लेड ए कॉर्नरस्टोन ए फाउंडेशन स्टोन इन सायोन। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार सियोन में कोने का सिरे का पत्थर रख दिया। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार सियोन विच खुंजे दे सिरे दा बुनियाद दा पत्थर रख दिया। यशायाह चैप्टर 28 वर्स 16 यशायाह 28 का 16 यशायाह 28 दी 16 है। Therefore thus saith the Lord God, behold I lay in Sion for a foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, he that believeth shall not make haste. इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। इसलिए प्रभु यहोवा फरमाउंदा है, देखो मैं सियोन विच एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर, एक अमोल खुंजे का पत्थर, पक्की नींव दा धरदा हाँ, जेड़ा प्रतीत करता है वो काली नहीं करेगा। So the building of the church of God is progressing in Sion. कलीसिया का बनाने का काम सियोन में चल रहा है। कलीसिया दे बनाने का काम सियोन विच चल रहा है। I thank God it is not anywhere in the world. It is in the most holy presence of God the church is being built. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, कलीसिया इस पृथ्वी में कहीं नहीं
लेकिन परमेश्वर के पवित्र स्थान सीओन में बन रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ कि कलीसिया इस धरती ते किते भी नहीं सगो के परमेश्वर दे अति पवित्र स्थान विच बन रही है। जीसस क्राइस्ट इज द कॉर्नरस्टोन। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस कलीसिया का कोने का सिरे का पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह खुद आप इस कलीसिया दे कोने दा या खुंजी दे सिरे दा पत्थर है। Who are all the other stones? बाकी सारे पत्थर कौन हैं? बाकी सारे पत्थर कौन हैं? 1 Peter chapter 2 verse 4 to 7. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 4 से 7. पहला पत्रस उसका दो अध्याय उसकी 4 है तो लेके 7 तक। To whom coming as into a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious, ye also as living stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर ने निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे हो गया। जिदे कोल तुसी आए हो जानो एक ज्योंदे पत्थर कोल जड़ा मनुखा कोलों तां रद्दिया गया परंतु परमेश्वर दे पाणे चुनिया होया अते अमोलक है। तुसी आप भी ज्योंदे पत्थरां दी न्याई होके आत्मिक घर उसरदे जाओ, भई याजकां दी पवित्र मंडली बनो, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਜਿਆ ਸੋ ਹੀ ਖੁੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। Now sitting here I am being melted just like butter is melted in the presence of God. Main yahan baithe baithe jaise ghee garmi mein pigalti hai main parmeshwar ki upasthiti mein pigal raha hu. Main itthe baithe baithe jis tarah garmi de vich ghyo pigalda hai isse tarah main parmeshwar di hazuri vich pigal raha hu. If you also honor the presence of God and sit properly you will also be melted. यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति को आदर करते हुए बैठेंगे तो आप भी ये पिघलने का अनुभव आपको भी होगा। जेकर तुसी परमेश्वर दी हजूरी दा आदर करते बैठोगे ते तानू भी ये परमेश्वर दी हजूरी विच पिघलन दा तजर्बा मिलेगा। Even the people who are sitting in that corner outside, it's possible for you also be melted by the mighty presence of the Holy God. बाहर कोने में बैठा कोई भी व्यक्ति हो, यदि भाई और भक्ति के साथ बैठेंगे तो संभव है परमेश्वर की उपस्थिति में आप भी पिघल जाएंगे। बाहर गुठ विच या कोने विच बैठा कोई व्यक्ति हो जेकर वो पैया ते भक्ति दे नाल परमेश्वर की हजूरी विच बैठेगा तो वह भी परमेश्वर की हजूरी विच पिघल जाएगा। यू एंड आई आर द स्टोन्स गॉड हैज चोसन फॉर दैट ग्रेट बिल्डिंग ऑफ गॉड। आप और मैं वो पत्थर हैं जिसे परमेश्वर ने अपने उस महान भवन के लिए चुना है। मैं ते तुसी भी पत्थर हो जिसनु परमेश्वर ने अपने महान पवन या इमारत दे लिए चुनिया है। Just like Jesus Christ is the cornerstone, you and I are the other stones. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है, मैं और आप बाकी जीवते पत्थर हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह खुंजी दे सिरे का पत्थर है, इस तरह बाकी पत्थर मैं ते तुसी हां। How you and I are being prepared for that great building of God. आपको और मुझे इस परमेश्वर के बड़े महान भवन को लिए कैसे तैयार किया जा रहा है? मेनू अते तानु परमेश्वर दे इस वड्डे भवन दे लिए किस तरह तैयार किया जा रहा है? We read in the book of Kings chapter 6 how great Solomon prepared the temple for the Lord. हम पहले राजा में हम पढ़ते हैं किस प्रकार राजा सुलेमान ने
मंदिर के लिए पत्थर तैयार किए। असी पहले राजा विच पढ़दे हां कि किस तरह सुलेमान राजा ने मंदिर दे लई पत्थर तैयार किए। We read in 1 King chapter 6 verse 7. पहला राजा 6 उसका 7वां वचन। पहला राजा 6 दी 7 आयत। And the house when it was in building was built of stone made ready before it was brought thither, so that there was neither a hammer nor axe nor any tool of iron in the house while it was in building. बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां से वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन में बनते समय हथौड़े वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। अते जद ए भवन बनाउंदे सन तां उस विच पूरे पूरे पत्थर लाए जेड़े खान उत्ते तैयार किए हुए सन, सो भवन दे बनाउण विच ना उत्थे देसी ना वसूली ना लोहे दे किसी होर संद दी आवाज़ सुनाई देंदी सी। The Solomon built the temple with big stones weighing 3 ton, 4 ton, 5 ton. सुलेमान जब मंदिर बनाया उसका एक एक पत्थर का वजन लगभग 3 ton, 4 या 5 ton वजन का एक पत्थर था। और सुलेमान पाशा ने जिस मंदिर नो बनाया उस मंदिर विच जो पत्थर लाए उसका एक एक पत्थर 3 ton या 4 ton या 5 ton भारा सी। So these stones were prepared from the pit itself. और इन पत्थरों को उनके गड्ढों में ही तैयार किया था, गड़ा था। और इन पत्थरों नु उना दी खान उत्ते तैयार कीता होया सी। If a stone is to be chipped, if to be cut, it's all done even in the pit itself. पत्थर को नाप के अनुसार काटना हो, छीलना हो, उसे उसके गड्ढे में ही किया जाता था। पत्थर नु नाप दे अनुसार कटना है, वढ़ना है, छीलना है, उस दे लई उस नु खान ते कटिया वढ़िया जांदा सी। When it is brought on the wall, there is no hammering at all. जब दीवार के ऊपर रखा जाता है उधर कोई हथौड़े या वसूली की आवाज या उसकी जरूरत ही नहीं है। जब उस नु दीवार या कंध ते रखा जाता है उत्ते किसी भी तेसी या वसूली दी लोड़ नहीं पैंदी सी। Just stones are brought and kept in its place. पत्थरों को लाया जाता और उनको उनके जगहों में रखा जाता था। पत्थरों नु लियांदा जांदा सी, उन्हां नु उन्हां दी जगह ते रखा जांदा सी। From this it is very clear there's a mark for every stone. इससे मालूम चलता है कि हर एक पत्थर के लिए उसका स्थान पहले से ही निश्चित किया गया है। तो इस तो पता लगता है कि हर एक पत्थर के लिए उसकी जगह पहले तो ही पक्की कीती हुई है। You are with me? क्या आप मेरे साथ हैं इस विषय में? कि तुसी मेरे नाल हो इस विषय में? So when Solomon was preparing the stone, every stone was marked with its own place. So जब सुलेमान अपना वो मंदिर बना रहा है पहले से ही हर एक पत्थर के लिए उस भवन में स्थान तय कर दिया है। और जब सुलेमान पातशाह मंदिर बना रहा है तो पहला तो ही एक एक पत्थर दे लई उन्हां दी जगह जड़ी है वो पक्की कर देती है। Whether it is in the wall side, whether it is in the window side, whether it is in the corner, it's all marked and prepared accordingly. चाहे वो दीवार में कहीं भी लगा हो, चाहे खिड़की के ऊपर हो, चाहे दरवाजे के पास हो, या दीवार में नीचे हो, चाहे ऊपर हो, पहले से ही उसको नापा गया है, उसका निशान लगाया गया, और उसी निशान और हिसाब किताब के अनुसार इस पत्थर को उसके गड्ढे में गड़ा गया है। चाहे उन कंध ते किथे भी रखा जाना है, चाहे दरवाजे दे कोल, चाहे खिड़की दे कोल, चाहे नी दे उत्ते किथे भी रखा जाना है, उसनू पहला तो ही तैयार करके उसकी जगह जड़ी पक्की कीती हुई है। And it is numbered very well. और हर एक पत्थर को उनकी संख्या दी गई है। हर एक पत्थर नु उसकी संख्या या गिनती दी गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that, all numbered. और हर एक पत्थर को एक एक गिनती के अनुसार उनकी संख्या दिया गया है। और हर एक पत्थर नु एक एक गिनती के अनुसार उन्हें संख्या दी गई। Number one stone will come in its number one place. पहले नंबर का पत्थर पहले नंबर के स्थान पर आएगा। और पहले नंबर का जेड़ा पत्थर है वो पहले नंबर दे स्थान ते आएगा। The tenth stone will come its tenth place. दसवां नंबर का पत्थर दसवें स्थान पर आएगा। और दसवें नंबर का पत्थर जिड़ा वो दसवें स्थान ते आएगा। In the same way, you are all numbered by God. इसी प्रकार मुझे और आपको हम प्रत्येक को परमेश्वर ने एक संख्या लगा कर रखा है। इसे तरह मेनू अते तानू हर एक व्यक्ति नू परमेश्वर ने हर एक पत्थर नू एक संख्या ला के रखी है, नंबर ला के रखा है। God has ordained a place for each and every one of you. हम प्रत्येक के लिए परमेश्वर ने अपने भवन में पहले से ही स्थान
नाप कर रखा हुआ है साडे विचो हर एक दे लई परमेश्वर ने पहला तो ही अपने पावन विच जो थां या स्थान नाप के रखा होया है जस्ट लाइक द किंग द सोलोमन्स पीपल प्रिपेयर्ड द स्टोन फॉर द कॉर्नर फॉर द डोर पोस्ट फॉर द विंडो साइड इन दिस एंड दे प्रिपेयर्ड देम विद चिसलिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ वर्किंग जिस प्रकार उस समय के राज मिस्त्रियों ने सुलेमान के मंदिर के लिए पत्थर को दरवाजे के प्यास के लिए खिड़की के लिए या दीवार के नीचे या ऊपर के लिए नाप के अनुसार गड्ढों में छेनी के साथ उसको छीला है जिस प्रकार उस समय सुलेमान पातशाह दे राज मिस्त्रियां ने उस भवन दे लई दरवाजे दे लई खिड़की दे लई और एक एक जगह दे लई उन्हां पत्थरां नूं छेनी दे नाल छिल छिल के नाप दे अनुसार बना के रख्या है इन द सेम वे ब्रदर्स सिस्टर्स पास्टर्स The chiseling work is going on in every one of you. इसी प्रकार प्रभु के दास लोग, बुजुर्ग लोग, विश्वासी भाई बहन, आप प्रत्येक के जीवन में वो छीलने का काम वसूली के साथ कर रहा है। इसी तरह प्रभु दे दास लोग कलीसिया दे बुजुर्ग विश्वासी भैन भाई एक-एक दे अंदर एक-एक दे जीवन विच शैणी दे नाल ओ छिलण दा काम कर रहा है। Some stones are cut deeply. Some stones are cut lightly. कई पत्थरों को बड़ी जोर से काटा जाता है कईयों के ऊपर हल्की सी मार पड़ती है कई पत्थरों नु बड़े जोर दे नाल कटया जांदा पर कईयां नु हौली जे उनां ते मार पैंदी है All this preparation is going on right here in this pit of the earth. और इसी पृथ्वी के इस गड्ढे में हम हर एक पत्थरों को नाप के अनुसार काटा जा रहा है इससे धरती दे खड्डे दे विच एक एक पत्थर नु जो नाप दे अनुसार कटिया जांदा है इन जेरुसलेम दे वर बिल्डिंग द टेंपल वो उस समय के लोग तो यरूशलेम में मंदिर बना रहे थे उस समय दे लोग तो यरूशलेम विच मंदिर बना रहे थे बट द पिट वाज फार अवे लेकिन वो गड्ढा पत्थरों का जो गड्ढा था वो बहुत दूर था पर वो पत्थरों दा जेड़ा टोया सी वो बहुत ही दूर सी The workmen of Solomon were searching where we can get good stone, where we can get stone. There they were digging and preparing the stone. मजदूर और मिस्त्री लोग इस तलाश में रहते थे अच्छा पत्थर किधर मिलेगा और जहां पत्थर मिलता था उसी जगह में गड्ढे में उस पत्थर को नाप के अनुसार काट कर तैयार करते थे तो मजदूर अते राज मिस्त्री इस खोज विच रहंदे सन के वधिया पत्थर जड़ा है वो कित्थों मिलेगा जद उनु जद वो मिल जांदा सी ते उसनु उसे टोए विच ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਥਿਸ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਦ ਪਿਟ ਸਾਇਓਨ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲੇਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਗੱਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰithvi ਹੈ ਭਵਨ ਸਿਓਨ ਮੇ ਬਣ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਵਨ ਸਿਓਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੀ ਸਟੋਨਸ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਮੇਡ ਰੈਡੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਟੂ ਸਿਓਨ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੱਥਰੋਂ ਕੋ गड्ढों में तैयार किया गया और उन्हें सियोन में पहुंचाया गया है बहुत सारे पत्थरों नु टोए विच तैयार किया गया उन्हें नु सियोन विच पहुंचाया गया We are the last batch being prepared to be taken to Zion हम आखिरी पत्थरों का झुंड है जिन्हें सियोन के लिए तेजी से तैयार किया जा रहा है और असी उन्हें सियोन दे पत्थरों दा आखिरी चोंडा जिन्हां नू बड़ी तेजी दे नाल सियोन विच जाण दे लई इस टोए विच तैयार किया जा रहा है Who is the chief machinery or builder ये भवन का बनाने वाला मुख्य बनाने वाला कौन है इस भवन या इमारत नू बनाउण वाला मुख कौन है Ephesians chapter 2 verse 20 to 22 Ephesians ki patri dusra adhyay 20 se 22 tak Ephesians ki patri usda 2 adhyay usti 20 ay to leke 22 ay tak Ephesians 2 20 to 22 Ephesians 2 20 se 22 Ephesians ki patri 2 di 20 to 22 tak And are built upon the foundation of the apostles and prophets Jesus Christ himself being the chief cornerstone in whom all the building fitly framed together groweth And to an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो अते रसूलों ते नबियों दी नींव ते बने हुए हो ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਲਡਰ। ਸੋ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। Then who are all the tools in the hands of the Holy Spirit? Aur ye raj mistri ke haath mein hathiyar kaun kaun hain? Aur is raj mistri de haath vich jehde sand hai ya auzar hai e kaun kaun han? Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Ephesians ki patri 4va adhyay 11 aur 12va vachan. Ephesians ki patri us 4 de us 11 te 12va vachan. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उसने कईयां नूं रसूल, कईयां नूं नबी, कईयां नूं प्रचार, कईयां नूं पासवान अते उस्ताद करके दे दिता। सो होली स्पिरिट टेक द टूल्स मी एंड ऑल ऑफ यू एंड कंटिन्यू द बिल्डिंग वर्क। पवित्र आत्मा जो राज मिस्त्री है मुझे और एक एक को जो हथियार हैं हाथ में लेकर बनाने का काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जो राज मिस्त्री है वो मेनू अते तानू जो संद है संद दी तरह अपने हाथ विच लेके इस्तेमाल कर रहा है। I am not a builder। बनाने वाला मैं नहीं। बनाने वाला मैं नहीं। I am just a tool in the hand of the Holy Ghost। मैं पवित्र आत्मा के हाथ में केवल एक उपकरण या एक हथियार हूँ। मैं पवित्र आत्मा दे हाथ विच सिर्फ एक संद हाँ। Whenever the Holy Spirit wants, He takes me and uses me। जब कभी पवित्र आत्मा चाहता है मुझे हाथ में लेकर अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करता है। जदो कभी पवित्र आत्मा चाहता है मेनू अपने हाथ विच लेके अपनी इच्छा दे अनुसार इस्तेमाल करता है। Look here। आप इधर ध्यान से देखें। तुसी इधर ध्यान दे नाल देखिए। I am also being prepared and I am being used to prepare others। मेरे को खुद पवित्र आत्मा तैयार कर रही है और मुझे दूसरों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल भी कर रही है। मैंने पवित्र आत्मा खुद तैयार कर रहा है उस दे नाल नाल दूसरों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। Listen carefully। इस बात को ध्यान से सुने। इस गल नु ध्यान नाल सुनिए। You must be available for these five kinds of tools। आपको आपके जीवन में आपको तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा जब पांच हथियार हाथ में लेता है आप उस पांच उपकरण अपने हाथ में लेता है उन उपकरणों को आपके जीवन में इस्तेमाल करने के लिए आपने अनुमति देना है। तो पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा तानु तैयार करने लिए जब पांच संदा नु अपने हाथ विच लेके इस्तेमाल करता है उस समय तुसी पवित्र आत्मा नु तुसी उस समय अपना जीवन तुसी उन संदा दे हाथ विच देना है मंजूरी देनी है ताकि वो तानु तैयार कर सके। Therefore I instructed all the pastors not to own church as their own। इसलिए मैंने प्रभु के दासों को पहले से आज्ञा दिया है कभी भी कलीसिया को अपना व्यक्तिगत संपत्ति ना बनाए। इसलिए मैं प्रभु के दासों नु पहला तो ही आज्ञा देती है कि कदे भी कलीसिया नु अपने निजी जीवन दी संपत्ति या जायदाद नहीं बनानी। I will not allow any pastor to own the church। मैं किसी भी पासवान को एक कलीसिया को अपना व्यक्तिगत बनाने के लिए अपने जीवन में अनुमति नहीं दूंगा। मैं किसी भी पासवान नु कलीसिया नु अपने निजी जीवन दी संपत्ति जायदाद बनाउन दे लई मंजूरी नहीं देंगा। I will not allow any pastor or his wife to own the church। मैं किसी भी पास्टर या उसकी पत्नी को कोई कलीसिया को अपना निजी संपत्ति बनाने दूंगा। मैं किसी भी पास्टर या उसकी पत्नी नु कलीसिया नु उन्हां दी निजी संपत्ति जायदाद बनाउन नहीं देंगा। होली स्पिरिट हैज द फ्रीडम टू टेक एनी काइंड ऑफ टूल टू प्रिपेयर द स्टोन्स। पवित्र आत्मा को पूरी आजादी है किसी भी हथियार को हाथ में लेकर पत्थरों को तैयार उपकरण को हाथ में लेकर पत्थरों को तैयार कर सकता। पवित्र आत्मा नु पूरी आजादी है वो किसी भी संद नु अपने हाथ विच लेके पत्थरों नु तैयार कर सकता है। Sometimes the Holy Spirit will bring the prophet you to chisel you। कई बार पवित्र आत्मा भविष्यवक्ता का उपकरण लेकर आएगा ताकि आपको छीले। कई बार पवित्र आत्मा नबी संद लेके आएगा ताकि वो तानु छीले। Sometimes God will bring the apostle as a chisel to chisel you। कई बार परमेश्वर प्रेरित को लाएगा ताकि आपको छीले। कई बार परमेश्वर रसूल नु लेके आएगा ताकि ओ तानु छीले। Sometimes God will bring the evangelist or teachers। कई बार परमेश्वर उपदेशकों को या सुसमाचार प्रचार करने वाले उपकरणों को लाएगा। कई बार परमेश्वर प्रचारकों नु या उस्तादों नु लेके आएगा।
With one tool, the stone is not made ready. एक उपकरण के द्वारा एक पत्थर पूरा तैयार नहीं होता। एक ही सांद के द्वारा एक पत्थर पूरा तैयार नहीं होता। You must have seen the workmen, the masons and bricklayer. They have in their bag different tools. आपने मिस्त्रियों को देखा होगा, उनके झोले में अलग-अलग प्रकार के उपकरण होते हैं। तो सिराज मिस्त्रियों ने देखा होगा कि उन्होंने झोले में वक्ख-वक्ख सांद होते हैं। So in the same way, in the bag of the Holy Spirit, there are five kinds of special tools. इसी तरह पवित्र आत्मा के इस झोले में पांच करण अलग-अलग प्रकार के उपकरण हैं। इसे तरह पवित्र आत्मा के झोले में पांच प्रकार दे अलग-अलग सांद हैं। अपोस्टल, प्रोफेट्स, इवांजेलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सिखाने वाले, पासबान और उपदेश और सुसमाचार प्रचार करने वाले। रसूल, नबी, प्रचारक, पासबान अते उस्ताद। प्लीज अंडरस्टैंड, they also have some weaknesses. और ये बात को ध्यान रखें कि इन उपकरणों के जीवन में भी कई कमी घटियां हैं। तो कृपा करके इस गल का ध्यान रखें कि इन संदां दे विच भी कई प्रकार दियां कमियां कमजोरियां हन। They are not perfected yet. वो अभी तक पूरे सिद्ध नहीं हुए। ओ अजे तक पूरे सिद्ध नहीं हुए। I am not perfected yet. मैं अभी तक पूरा सिद्ध नहीं हुआ। मैं अजे तक पूरा सिद्ध नहीं होया। The moment I am perfected, I'll not be here on this year. जिस क्षण मैं पूरा सिद्ध हो गया, मैं इस संसार में एक सेकंड भी आगे को नहीं रहूंगा। जिस पल मैं पूरा सिद्ध हो गया, तो ओ क्षण या सेकंड मैं संसार विच नहीं रहूंगा। If you see me alive, then you must know, yes, there is something more to be done in A.M. Samuel. आप मुझे जीवित देखते हो, तो इसका मतलब A.M. Samuel के जीवन में पूरा करने का कुछ काम अभी भी शेष है। जेकर तुसी मेनू जिंदा देखदे हो, तो इसका कारण के A.M. Samuel दे जीवन विच अजे भी कुछ काम पूरा होन वाला है। If you don't understand this, then you'll get offended by the lives of many people. अगर आप इस तरह से नहीं समझोगे, तो आप कई उपकरणों के जीवनों को देखकर आप ठोकर खा जाओगे। तो जेकर तुसी इस तरह नहीं समझोगे, तो कई संदां दे जीवन नु वेखकर ठोकर खा जाओगे। Therefore, do not see a pastor, do not see a leader, only look at Jesus. इसलिए कृपया करके कोई पासबान को ना देखे, कोई अगुए को ना देखे, केवल मसीह यीशु पर ही अपनी नजरों को टिकाएं। इसलिए कृपा करके कोई भी किसे पासपान ना वेखे, किसे आगू नु ना वेखे, अपनी नजरां प्रभु यीशु मसीह उते लाई रखो। All we servants of God, including me, are imperfect. हम जितने भी प्रभु के दास हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, अभी तक हम पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए हैं। असी जिन्ने भी प्रभु दे दास हां, मैं भी उन्हां विच शामिल हां, असी अजे तक कामल नहीं होए हां। Though God is using us as a tool, yet we are also a stone under preparation. इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर हमें एक उपकरण के तौर पर तैयार कर रहा है, लेकिन हम भी एक पत्थर ही हैं, हमें भी पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। इस दे विच जरा भी शक नहीं, परमेश्वर एक संत दी तरह सानू तैयार कर रहा, एक पत्थर दी तरह सानू तैयार कर रहा है। Why God is not using perfected tools? परमेश्वर पूरा सिद्ध हुए उपकरणों को क्यों नहीं इस्तेमाल करता है? परमेश्वर पूरे कामल होए संदा नु लेके क्यों नहीं वरतदा? If the perfected instrument is used, they will deal very roughly. अगर पूरे सिद्ध हुए पत्थरों को, अगर उपकरणों को पवित्र आत्मा हाथ में लेगा, तो दया का कोई संभावना ही नहीं। तो जेकर पवित्र आत्मा पूरे संपूर्ण होए संदा नु अपने हाथ विच लेके वरतेगा, तो फिर ओना दे अंदर तरस ना दी चीज ही नहीं होएगी। But God is making this holy temple with imperfect tools so that they may build it with a broken heart, with all humility. परमेश्वर ऐसे उपकरणों को हाथ में लेकर अपना कार्य कर रहा है जो अभी तक पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए। उसका मूल कारण, जब ये उपकरण इस कार्य में लगे हैं, वो पूरे टूटे हुए दिल से, नम्रता के साथ, हलीमी के साथ ये भवन बनाने के कार्य में कार्य कर सके। तो जब परमेश्वर एहो जे संदा नु लेके इस्तेमाल कर रहा, जेड़े पूरे अजे तक सिद्ध नहीं हुए, उसका मूल कारण के वो पूरे टूटे हुए दिल दे नाल पत्थरां नु तैयार करने विच लगे हुए हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल, आई रिमाइंड ऑल पास्टर्स एंड इवांजेलिस्ट whom Holy Spirit is using, please remember you are imperfect and be in a broken hearted condition so that you may build every stone
perfectly. मैं हर एक प्रभु के दास प्रचारकों से मेरा विनम्र विनती है, जब आप इस भवन के काम में पवित्र आत्मा आपको हाथ में लेकर इस्तेमाल कर रहा है, पूरी नम्रता के साथ, पूरी हलीमी के साथ करें, क्योंकि आप भी अभी तक पूरा सिद्ध नहीं हुए और आपको पवित्र आत्मा हाथ में लेकर दूसरों को तैयार कर रहा है। तो मैं प्रभु दे सेवकां दे अग्गे नम्रता दे नाल बेनती करता हाँ कि जद के पवित्र आत्मा तुहानू अपने हाथ विच लेके पत्थरां नू तैयार कर रहा है, पत्थरां नू तैयार करन दे लई इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पूरे टुटे हुए दिल दे नाल नम्रता दे नाल पत्थरां नू तैयार करन दे लई आप लगे रहे। Therefore I request you friends, if you happen to see the weakness of any servants of God, I plead with you to be patient with them and bear them. और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, जब कभी आप प्रभु के दासों में कोई कमी घटी देखते हो, सबर के साथ उस बात को सहलो, क्योंकि वो अभी तक पूरे सिद्ध नहीं हुए। इसलिए मैं ताड़े के विनती करता हूँ, जेकर तुसी प्रभु के दासां दे अंदर कमी कमजोरी देखते हो ते उसनु सबर दे नाल सहलो, क्योंकि अजे तक वह संपूर्ण नहीं हुए हैं। Therefore Paul says it would have been better for you if you not bear my foolishness. इसलिए पौलुस कहता है यह अच्छा होता यदि आप मेरी मूर्खताओं को भी सह लेते। इसलिए पौलुस कहता है ये वधिया होंदा जेकर तुसी मेरी मूर्खताई नु सहार लेंदे। How many of you understand what I am saying? आप में से कितनों को समझ में आया जो मैं बात समझा रहा हूँ? इताड़े विचो किन्हें जनियाँ नू समझ विच आया जो गल मैं तानू समझा रहा हाँ? Servants of God, do not try to offend anyone using your freedom. प्रभु के दासो, आपको परमेश्वर ने दिया आजादी को लेकर किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रभु दे दासो, परमेश्वर ने जो तानू आजादी दी है उस आजादी नू लेके किसी दे ठोकर दा कारण ना बनो। Believers may submit themselves to you, thinking that you are a holy person. विश्वासी लोग आपके सामने समर्पण करते हैं इसी भावना के साथ कि आप एक पवित्र व्यक्ति हैं। विश्वासी लोग ताड़े अगे अपने आप नू इसलिए दे देंदे हैं कि तुसी एक पवित्र व्यक्ति हों। You are responsible to perfect them. आपका जिम्मेवारी है कि आप उन्हें सिद्ध करें। ताड़ी जिम्मेवारी है कि तुसी उन्हां नू संपूर्ण करो। Through your conversation, through your behavior, if we deal with any sister, any brother, immorally or improper way, you are accountable. यदि आप अपने बातचीत, आपके व्यवहार से, गलत तरीके से किसी विश्वासी भाई या बहन के साथ व्यवहार करोगे, ध्यान रखे, हिसाब देना पड़ेगा। जेकर तुसी अपनी गलबात के द्वारा गलत तरीके दे नाल किसी भी विश्वासी भैन भाई दे नाल सलूक करोगे तो याद रखना हिसाब लेखा देना पड़ेगा। Some people have a weakness. They commit mistake and cry. कई लोगों के अंदर ये कमी घटी है, वो गलती करते हैं, रोते हैं, गलती करते हैं, रोते हैं। कई लोगों के अंदर ये कमियां कमजोरियां हैं, वो गलतियां करते हैं, फिर रोते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर रोते हैं। Some pastors are like that. They commit mistake and cry. कई पासवान भी ऐसे हैं, गलतियां करते हैं, रोते हैं, गलतियां करते हैं, रोते हैं। कई पासवान भी ऐसे हैं, गलतियां करते हैं, फिर रोते हैं, गलतियां करते हैं, फिर रोते हैं। For such people, the name given in the word of God is dog. ऐसे लोगों के लिए वचन में जो नाम दिया है वो है कुत्ते। ऐसे लोगों के लिए जो वचन में नाम दिया गया है वो है कुत्ते। And in Revelation it is written, no dog will enter into New Jerusalem. प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है कोई कुत्ते नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रकाशित पोथी में साफ लिखा है कि सारे कुत्ते नए यरूशलेम तो बाहर हैं। So friends, though we have love, divine love, that divine life may not change into passion, human love. प्यारे अजीजों, हमारे बीच में परस्पर ईश्वरीय प्रेम है, प्रेम की भावना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रेम शारीरिक प्रेम में बदल जाए। मेरे प्यारो, साडे विच परमेश्वर दे प्रेम, साडे विच परमेश्वर दा प्यार है, प्यार दी भावना है, किते ये शारीरिक प्यार विच ना बदल जाए। Everyone should do this with all trembling and fear. जो सेवा प्रभु ने हाथ में दिया है, मेरा जीवन पूरे भय और भक्ति कामते हुए आदर के साथ करना है। जो सेवा प्रभु ने साडे हाथ विच दिती है उसनु पूरी भय भक्ति दे नाल कंबदे डरते हुए करना है। Sometimes I cry before the Lord. कई बार मैं परमेश्वर के सामने
फूट फूट कर रोता कई बार मैं परमेश्वर दे अगे फुट फुट के रोंदा हां लॉर्ड आई एम नॉट एट ए परफेक्ट स्टोन देन व्हाई डू यू यूज मी ऑल ओवर द वर्ल्ड परमेश्वर मैं अभी भी अयोग्य मैं अभी तक पूरा का पूरा सिद्ध नहीं हुआ फिर भी तू मुझे इस पृथ्वी में अलग अलग जगहों में संसार में क्यों इस्तेमाल करता है हे परमेश्वर मैं तो अजे तक नलायक हां अजे तक पूरा सिद्ध नहीं होया फिर भी तू मेनू धरती दे वख-वख इलाकियां विच क्यों अपने लिए इस्तेमाल करदा है एंड द लॉर्ड सेड माय सन आई सी योर ब्रोकन हार्टेड कंडीशन मेरा पिता मुझसे कहता है मेरा बेटा मैं तेरे टूटे हुए दिल की हालत को मैं जानता तद मेरा पिता कहता हे पुत्र मैं तेरे टूटे हुए दिल की हालत नु जानता हां Now, friends, the ministry is spreading all over the globe. प्यारे अजीजो, सेवकाई पूरे दुनिया पर फैल रही है. प्यारे अजीजो, सेवकाई पूरी दुनिया पर विच फैल रही है. Now, this teaching, what I'm teaching here, is being spread to all over the world now. जो उपदेश आपको इधर सिखाया जा रहा है, वो इसी संसार के कोने-कोने तक पहुंच रहा है. जेड़ी तालीम तानु इधर सिखाई जा रही है, एओ इस संसार दे कोने-कोने तक पहुंचनी है. If you open Google, then you will find hundreds of our Bible studies now. अगर आप Google इंटरनेट में जाएंगे तो हमने जो सिखाए उपदेश इंटरनेट में सैकड़ों पेजों में आपको मिलेगा. जेकर तुसी इंटरनेट में जाओगे तो तानो जो असी तालीम सिखाई है वो हजारों की तादाद में सैकड़ों की तादाद में वो तालीम मिलेगी. We have not put it, but a friend from California, USA is doing all that. हमने ये नहीं डाला लेकिन कैलिफोर्निया में हमारा एक भाई परिचित वो व्यक्तिगत तौर पर ये मेहनत कर काम कर रहा है पर असी ए नहीं इंटरनेट विच पाया साडा कैलिफोर्निया विच एक भाई है जो ये काम कर रहा है आई नेवर विजिटेड इंग्लैंड सो फार मैं अभी तक इंग्लैंड में नहीं गया मैं अजे तक इंग्लैंड विच नहीं गया बट सो मेनी लेटर्स थ्रू इन ईमेल आई एम गेटिंग फ्रॉम इंग्लैंड स्कॉटलैंड नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल ओवर द ग्लोब और मुझे स्कॉटलैंड से इंग्लैंड से नॉर्वे से ऑस्ट्रेलिया से दुनिया भर से चिट्ठियां आ रही हैं मेनू स्कॉटलैंड विचों इंग्लैंड विचों नॉर्वे विचों अते दुनिया भर विचों चिट्ठियां आ रही हैं दे आर ऑल राइटिंग वी हैव सीन दिस स्टडी लेसन वी वांट मोर और वो सब ये चिट्ठी लिख रहे हैं हमें ये स्टडी लेसन मिला है हमें और जानना चाहते हैं हम और सीखना चाहते हैं वो कहते सानू ए बाइबल क्लास मिली है ए वचन मिलिया असी होर जानना चाहते हैं व्हेन आई सी ऑल दिस थिंग आई से लॉर्ड I am a weak person, not even completely prepared, yet why you are sending me all over the world like this? मैं जब ये बातों को देखता मैं कहता हूँ प्रभु मैं कमजोर बलहीन पात्र हूँ फिर भी तू मुझे दुनिया के कोने कोने तक तेरा वचन लेकर क्यों पहुंचा रहा है प्रभु जब मैं ये देखता मैं प्रभु नु कहना प्रभु मैं तो एक कमजोर अते बलहीन व्यक्ति हाँ फिर भी दुनिया के कोने कोने तक तेरा वचन पहुंचने लिए तू मैनु इस्तेमाल कर रहा When the Lord said, I revealed many secret things to you, revealed many mysteries to you, and I have chosen you and continue this ministry with a broken heart. तो परमेश्वर ने मुझसे कहा मैंने कई भेद तुझे खोल कर दिए तेरे को मैंने चुना मैंने तेरा टूटा हुआ दिल देखा है नम्रता के साथ सेवकाई को आगे बढ़ा तद परमेश्वर ने मैनू आख्या कि मैं कई भेद कई प्रकाश तेरे उत्ते खोले मैं तेरे टुटे हुए दिल नू वेख्या है इसलिए नम्रता दे नाल मेरी सेवकाई नू अगे वधाओ Why I speak here in English? मैं इधर अंग्रेजी में क्यों आपके बीच में वचन बोल रहा हूँ मैं इधर अंग्रेजी विच क्यों वचन दास रहा हूँ In 2 weeks time, this is going to circulate all over the world. 2 हफ्ता के अंदर इधर ये धारीवाल का इस समय साल का ये जो संदेश दुनिया भर लोगों तक पहुंच जाएगा क्योंकि 2 हफ्तों के बीच में ये धारीवाल सभावां का जो संदेश है ये दुनिया भर में पहुंच जाना है About 2 months ago, last year's धारीवाल meetings are already been circulated. 2 महीने पहले ही पिछले साल का धारीवाल की सभा पूरा इंटरनेट में दुनिया भर पहुंच गया है और पिछले साल की जी धारीवाल की कन्वेंशन दे विच जो भी बाइबल क्लास का वचन चलिया वो पूरा दुनिया भर में पहुंच गया सी हाई ऑफिशियल्स ऑर्डिनरी पीपल डॉक्टर्स इंजीनियर्स स्विच ऑन टू गूगल इंटरनेट एंड देन कैरी ऑन देन कंटिन्यू द स्टडी और कितने बड़े बड़े अधिकारी पढ़े लिखे लोग गूगल में इंटरनेट में जाकर वचन सीख रहे हैं और कितने बड़े बड़े अधिकारी पढ़े लिखे लोग जड़े हैं वो इंटरनेट में जाके वचन सीख रहे हैं सो दिस सीक्रेट्स व्हिच आई एम टीचिंग यू इज स्प्रेडिंग टू ऑल ओवर द वर्ल्ड सो जो भेद आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है इस समय जो भेद मैं तानु सिखा रहा है
ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਐਸ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਨਾਟ ਜਸਟ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਪੀਪਲ ਅ ਪਰਸਨ ਇਸ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਨਾਰਵੇ ਔਰ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਲਿਸਨ ਸੋ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇ ਯਾ ਨਾਰਵੇ ਮੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਸੇ ਕਾ ਐਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੈਸੇ ਆਪ ਇਧਰ ਬੈਠ ਕਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਧਰ ਘਰ ਮੇ ਬੈਠ ਕਰ ਯਾ ਕਹੀਂ ਆਫਿਸ ਮੇ ਬੈਠ ਕਰ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਹੈਪਨਡ ਅਬਾਊਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ just a day before I started for Dharival. Dharival aane ke ek din pehle hue hui ek ghatna main aapko batana chahta hoon. Dharival vich aun ton ek din pehla hoi hoi ghatna main tuhanu dassna chahuna haan. An educated man, he said, you pray over the phone, I'll be filled with the Holy Ghost. Ek padha likha aadmi mere se phone par baat karke bolta hai. Aap prarthna karein. Telephone par hi baat karein. Mujhe vishwas hai. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਝੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੇ ਅਭੀ ਭਰੇਗਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਮੈਨ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੈਨ ਮੈਨ ਅਬਾਊਟ 40-45 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਬੜਾ ਧਨੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਕਾ ਉਮਰ ਕਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹਿਸ ਫੇਸ ਆਈ ਜਸਟ ਹਰਡ ਹਿਸ ਵੌਇਸ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਸਕਾ ਸ਼ਕਲ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸਕਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਪ੍ਰੇਇੰਗ and in 2 minutes that brother started he was on his knees and began to speak in tongue aloud maine sirf 2 minute hi hua hoga prarthana kiya aatma mein woh aadmi bhar gaya anya ne bhasha mein zor se prarthna karne laga main 2 minute hi telephone te us de naal prarthna kiti oh pavitra aatma de naal bhar gaya agna bhar gaya ate gair zuban bol ke aaradhna karne laga I said leave you